नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो चार्जिंग जैक के ऊपर है, यानी कीपैड फ़ोन में चार्जिंग जैक लगाना हम बताने वाले हैं। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनको चार्जिंग पिन लगाने में प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे लगाएं सही तरीके से, जैसे कंपनी का लगा हुआ रहता है उस तरह से कैसे हम लगाएँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम होता है लगाने में चार्जिंग जैक तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपका फिर पिन लगाने का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आप सही तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने सेट को खोल दिया है, क्योंकि खोलना बाद ना तो भाई आप करते ही हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, ये चूँकि चार्जिंग पिन यहाँ पर है तो आपको पत्ता यहाँ से हटा लेना होता है। तो इस तरह से हम पत्ते को सबसे पहले यहाँ से हटा लेंगे। ये पत्ता हटा के आपको कहीं अस्थाई इसको रख देना है, ठीक। अब आपके पास मतलब सेट करने के लिए कुछ भी जगह हो सकता है, मेरे पास जो जगह है मैं उसमें आपको सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने चार्जिंग पत्ता हटा दिया कीपैड वाला। इसके बाद मैं यहाँ देखिए, क्योंकि ये पिन होता है आपको नीचे से हीट करके इसको लगाना होता है, निकालने के लिए आप ऊपर से हीट करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आप अगर पीसीबी होल्डर का यूज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए का जो भी आपका मेज हो उस पर आपको साइड में इसको रखना होगा, ठीक। तो यहाँ साइड में रखने के लिए देखिए मेरे पास जो यहाँ मेज है इस पर मैं यहाँ इस तरह से सेट कर देता हूँ, ठीक। यहाँ मैंने सेट कर दिया। अब इसके ऊपर आपको बस कुछ ऐसा रख देना है कि आपका पीसीबी हिले ना। तो उसके लिए मैं क्या जुगाड़ करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेट रखा हूँ, इस तरह से यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक। लगा देने के बाद फिर मेरे पास जो ये आईसी रिवॉल्व करने का सीट है इसको यहाँ पर मैं इस तरह से रख देता हूँ, ठीक। रखने के बाद अब कुछ वजन चीज़ इस पर रख देना है जिससे हमारा ये पीसीबी दबा रहे हैं। तो यहाँ मैं एक ताले का प्रयोग कर लेता हूँ, ठीक। इस तरह से आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास ताला ही ज़रूरी है। तो यहाँ रखने के बाद अब हमारा पीसीबी ये हिलेगा नहीं। अब इसको सबसे पहले हमें निकालना है, तो निकालने के लिए हमें कुछ इस तरह के पेस्ट का यूज करते हैं। ये पेस्ट हम ले लेते हैं और थोड़ा सा आपने इस सीसी पर जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर है उस पर थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा सा लेके हम लगा देते हैं। अब चार्जिंग कनेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि ब्लोअर का इस्तेमाल हमें करना ही है, तो चार्जिंग कनेक्टर निकालने के लिए हम चाहे तो अपना ऊपर से भी हीट दे सकते हैं और नीचे से भी हीट दे सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट यहाँ पे देखिए, माइक अगर है तो माइक को आप साइड कर दीजिए, नहीं तो हीट पड़ जाएगा, माइक आपका ख़राब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर से हीट दे देंगे, जो हमने पेस्ट डाला है वो पिघल के उधर उधर अपना जगह बना लेगा, ठीक, सही जगह पे चला गया। इसके बाद हम नीचे से हीट देते हैं इसको, और देखिए नीचे से हीट देते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये गन है ये गन अस्थाई कहीं नहीं रखना होता है। जब भी आप इसको करिए इस तरह से घुमाते रहिए, क्योंकि नीचे रोशनी कम है आपको गन दिखाई नहीं देगा सही से। तो यहाँ अपने ठीक चार्जिंग कनेक्टर के नीचे इस तरह से गन को आपको धीरे धीरे घुमाते रहना है। जब आपका हीट हो जाए तो आपको चार्जिंग पिन को हल्के से अपने चिमटी से हिलाना है, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ से पकड़ के उसको उठा लीजिए, ठीक है, उखाड़ दीजिए, ऐसा नहीं, बस धीरे से हिलाइए। देखिए हिलने लगा, अब चार्जिंग कनेक्टर को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। रख देने के बाद अब हम देखिए लगाने का प्रोसेस हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इस पीसीबी में प्रिंट ही नहीं है, जो भी मतलब पहले लगाया होगा चाहे कहीं से भी, क्योंकि हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ हमारे इस पीसीबी में देख सकते हैं प्रिंट सारे उखड़ चुके हैं, ठीक। तो अभी हमें एक आध दो प्रिंट अगर हमारा प्लस माइनस का बच जाता है जिसमें हम अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा पेस्ट को पोंछ देते हैं। इसके बाद यहाँ मैक्स गोल्ड का यहाँ इस पेस्ट को हम यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने पीसीबी पर वहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा के। और फिर आयरन में अपने थोड़ा सा सोल्डर लेंगे, बहुत ज़्यादा सोल्डर नहीं लेंगे, थोड़ा सा सोल्डर लेके और इनकी पिनों पे हम सोल्ड करने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ प्रिंट है, ठीक है, लेकिन जो पहले किसी ने जो लगाया था वो उस पर सोल्डर नहीं लगाया था, जिसके कारण वो पिन जल्दी से ख़राब हो गया। ठीक, यहाँ हम देखिए जैसे ही आयरन रखा हमने तो वहाँ प्रिंट हमारी चमकने लगी। ठीक, तो इस तरह देखिए जितने इसके पॉइंट हैं सभी पे आपको थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा देना चाहिए इस तरह से। और अगर आप पीपीडी का यूज़ करते हैं तो और बढ़िया है, लेकिन पीपीडी यूज़ करने में थोड़ा और भी आपको मतलब सफाई करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा लोग कनेक्टर लगाने में सोल्डर का ही यूज़ करते हैं। देखिए सभी पॉइंट पे आपको थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, इस तरह से सभी पिन पे सोल्डर लगा लेने के बाद अगर आपका ये ज़्यादा गंदा है तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। अब इस पर ज़्यादा गंदा ना इसलिए हमको वॉश नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर जो हमारा एक कनेक्टर है ठीक इसी तरह का हमको कनेक्टर लेना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कनेक्टर, इसका जो नाम है ये T2 का है, T2 हमारा कनेक्टर है। ठीक, तो सेम कनेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया, देखिए सेम कनेक्टर हमने ले लिया है। अब कनेक्टर को क्या करना है, सबसे पहले इस पे आप मैक्स गोल्ड का पेस्ट डालिए। इसकी जो पिन है देखिए यहाँ पे, ये जो पिन है इस पिन पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पेस्ट लगा के और आयरन से हल्के हाथों से आपको इसे सोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे सभी पांचों पिनों पे आपको हल्के हाथों से और सोल्डर लगा देना है। सोल्डर अच्छी तरह से जब यहाँ लग जाता है, देखिए चमकने लगा सोल्डर, सोल्डर लग जाने के बाद फिर अपना जो यहाँ पीसीबी है उसको जैसे आपने फिक्स किया था उसी तरह से फिर यहाँ पे आप इसको सही तरीके से फिक्स कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा LED वगैरह ये डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, अब इतना फिर फिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम मैक्स गोल्ड अपना चाहे जो भी आप अच्छा सोल्डर मिले, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हमको फिर इस पिन पे पिन की जो जगह है यहाँ पे थोड़ा सा हमको पेस्ट इस तरह से डाल देना है। ठीक, पेस्ट डाल देने के बाद अब यहाँ पे हम अपना जो पिन है ये चार्जिंग कनेक्टर यानी इसको हम CC बोलते हैं, ठीक, इसको हम इस पर रख देंगे। रख देने के बाद अब ब्लोअर अपना हम चालू करेंगे। हीटिंग आप अपने हिसाब से आप रख लीजिए कितना देर में आपका, क्योंकि सभी ब्लोअर अलग अलग तरह से काम करते हैं, तो अपना एयर ब्लोअर का हीटिंग अपने हिसाब से कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको देखिए धीरे धीरे ऐसे गोल आपको घुमाते रहना है, इकट्ठा आपको ये गन नहीं रखना है, अगर आप इकट्ठा रख देते हैं तो वहाँ PCB आपका फूल जाएगा। ठीक, देखिए अब जब आपको लगे कि आपका ये PCB हीट हो चुका होगा तब पिन को आप यहाँ पे हल्का सा इस तरह से छेड़िए। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए अब इसको हल्के हल्के हाथों से इधर उधर आप हिलाते रहिए, क्योंकि अगर हिला देंगे थोड़ा थोड़ा पिन कनेक्टर को तो ये आपका PCB पे अच्छी तरह से जो भी सोल्डर लगे हुए हैं सभी सोल्डर अपने अपनी जगह पे यहाँ कनेक्टर में लग जाएंगे। जब आपको लगे कि ये लगभग सभी सोल्डर हमारे पिघल चुके हैं तो चिमटी से बस इसको यहाँ पर दबा दीजिए। देखिए ऐसे इसी तरह से अपने कनेक्टर को आप दबाए रखिए, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको यहाँ से चिमटी हटा लेना है। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका होगा, ठीक, थोड़ा सा ठंडा भी हटा देते हैं और एक बार इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर लगा है ये इसमें सफाई है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सोल्डर लगाने की कोई ज़रूरत मतलब आयरन से यहाँ सोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर दिया। देखिए वॉश करने के बाद सभी पिने आप मतलब फर्स्ट क्लास मतलब वहाँ कनेक्टेड हैं। अब जब पूरा फिनिशिंग आप कर लेंगे उसके बाद आपको ध्यान से पांचों पिनों को देख लेना है कि पांचों पिनों के आपस में कोई सोल्डर चिपका तो नहीं है। वैसे अगर आप ब्लोअर से लगाते हैं आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसमें से कोई पिन चिपक ही नहीं सकती है, चिपकती तब है जब आप आयरन से इसके पिनों को सोल्ड करते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्जर के इसके कनेक्टर में लगा देते हैं, ये चार्जर हमने लगा दिया। अब इसके
बैटरी कनेक्टर पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट में रख दिया है और यहाँ बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस पॉइंट पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमको वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इसको कई बार थोड़ा सा कोशिश अच्छे तरीके से करेंगे तो ये सब चार्जिंग पिन लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।